الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم، صدق الله العلي العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق كلهم. عزيزان غرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کریم اپنے کلام قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ربکم عالم دماغ نفوسکم، وہ رب سب جانداری رکھتا ہے، دماغ نفوسکم، آپ کے اندر کیا چلتا ہے، آپ کے دل میں کیا گزرتا ہے، باہر کیا آپ کہتے ہیں، اندر کیا سوچتے ہیں. انسان کے جو سوچ ایسی ہے، اس کا سوچ دل میں چلتا رہتا ہے. آپ بھلے باہر جو بھی کام کرتے رہیں، دوسروں سے بات کرتے رہیں، یا پھر کام کاج کرتے رہیں، اس کا سوچ ہمیشہ جو چلتا رہتا ہے، وہی سوچ اگر رات آ گیا خواب میں تبدیل ہوتا ہے، پھر خواب میں آپ نے جو شکل صورت بنا کر وہ آپ کو ایک کہانی سناتا ہے، اس میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، بناوٹ بھی ہوتا ہے. لیکن سچ کے لیے روح میں طاقت چاہیے، روح کے جو نگاہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ان تعبد اللہ کا انا کا طرح، وہ رب کی طرف ہمیشہ اپنے رخ بنا کر رکھے، پھر یہ دنیا کے کیچڑ کی طرف وہ دیکھتا نہیں. وہ جو باتیں سناتا ہے، پھر اپنی اس کے جو نگاہ ہیں لوح المحفوظ تک پہنچتا ہے. جیسے روایت میں بھی ہے، آدمی سونے کے بعد اس کا روح کو لوح المحفوظ تک اٹھایا جاتا ہے، آنے والے بہت ساری باتوں کو اس روح کو بتایا جاتا ہے. اسی روح کو جو ریفلیکشن کہتے ہیں، اپنے دلوں میں جو وارد ہوتا ہے، پھر کبھی وہ خواب کے شکل میں اختیار کرتا ہے. پھر انسان کہتا ہے میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا. جب روح کی طرف جب وارد ہوتا ہے، وہ باتیں بالکل حقیقت اور سچائی ہوتا ہے.
इन चीजों को तो मानना पड़ता है। और ये जो जमाने से चले जा रहा है, जो ख्वाब की जो बातें हैं, एक बादशाह अपने आखिरी जो दांत गिरते हुए उसने ख्वाब में देखा, अपने उजरा में मशवरा किया है इसका क्या ताबीर है। तो वहां ताबीर बताने वाले बता रहा था इसका ज्यादातर दांतों का जो ताल्लुक रिश्ते नाते से होते हैं, माँ बाप से जुड़ते हैं, ससुराल से जुड़ता है। तो आखिर दांत मतलब यानी कि ससुराल में जो जो रिश्ते होते हैं उनके गुजरने की बात हमें इसमें बता जाता है। लेकिन इससे पहले आप गुजर जाएंगे। बादशाह सुना तो बहुत हैरान हो गया है। हमेशा जो जिंदा आदमी को, हत्ता के जो लोगों में आज ज्यादातर कैंसर का बीमारी है, डॉक्टर मुकर्रर कर देते हैं आप इतने 6 महीने या साल रह सकते हैं। जो बीमार आदमी फिर दिन गिनता रहता है, मेरा इतना ही दिन बाकी है। बोलो यार क्या करता ही है। लेकिन आम आदमी में यह बात नहीं होता। आम आदमी 6 महीने के साल का गिनने की जरूरत नहीं है, अगले लम्हा उसको मौत होता तो उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए उसको पहले खबरदार किसी ने नहीं किया। हालांकि अल्लाह वालों को पहले पता चल जाता है इतने दिन आप रह सकते हैं, जैसे नबियों के मुतल्लिक, मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तो ये वाकया मशहूर है। हत्ता के वलीउल्लाह जो लोगों को भी पहले बशारत मस्जिद नबी से हो जाता है, अगर वो पुख्ता सलूक वाले मस्जिद नबी में रابطہ रखने वाले और अमल सालिह उनमें हो तो उनको खबर दिया जाता है। जैसा उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ऊपर जो वार किया गया है तिलावत करते हुए उनको जो शहीद कर दिया गया है, उसका जो उनके जिस्म पाक से जो गिरा हुआ खून कुरान पाक में गिरा, आज लंदन म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन जब वो सामने जितने लोग उनको कत्ल करने के लिए जो जो खड़े थे, उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु ताला को एक वनोदगी जैसे आया, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, आप चाहें तो दुनिया में रह सकते हैं, मैं इन लोगों से मैं बचा सकता हूं, या फिर शाम का इफ्तार में मेरे साथ आप शामिल हो सकते हैं। यह हुनोदगी है। आज भी बहुत सारे लोगों को यह बात हुनोदगी की वाकया होता रहता है।
मैंने बुद्ध में विनोदिक में ये बात देखा, वो बात देखा। तो बादशाह ने कहा तो वाह यार, तुम बाहर जाओ, कोई ऐसे जो ख्वाब का ताबीर कहने वाले को जो बुला कर ले आओ। तो दूसरा कोई ताबीर बताने वाले को ले आए। उसने कहा बादशाह सलामत, तो ये पूरे रिश्ते नाते सारे लोग गुजर जाएंगे, उसके बाद आप गुजरेंगे। तो बादशाह हंसते हुए कहने लगा, तो इससे पहले जो बताने वाले का आपका जो ताबीर मिलता जुलता तो है। उन्होंने कहा मैं गुजर जाऊंगा, उसके बाद रिश्तेदार नाते जो गुजरेंगे। आपने बताया सारे रिश्ते नाते गुजर जाएंगे, उसके बाद मैं गुजरने का वक्त आएगा, मौत आएगा। बात तो दोनों एक ही है, तो उसको जो खुशी हुई, कम से कम लोगों को जाने के बाद ही मुझे जाना होगा, तो इनामत दे के उसको भेजा। अगले दिन मैंने किसी को बताया जो ख्वाब के मुतल्लिक, नूरुद्दीन जंगी जो जिसका जो बादशाहत में सलाहुद्दीन अयूबी जनरल थे। तो नूरुद्दीन जंगी के जो ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम बार बार इरशाद फरमा रहे थे, मेरे कब्र के करीब दो कुत्ते खड़े हैं। ये ख्वाब समझ कर उसको जो तर्क कर दिया, तो फिर वहां का काजी के ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाने लगे, तो ख्वाब घबरा के बादशाह के पास आया, मैंने इस तरह ख्वाब देखा। तो निकले जो मदीना जाएंगे, तो हज का मौसम था, हर एक को बुलाया, शक्ल सूरत को देखा, नबी अलैहिस्सलाम जो शक्ल बताए वो चेहरे को मिला मिला के सबको देखने लगे। ये ख्वाब का जो नतीजा था, तो वो लोग कहने लगे, एक बड़े समझदार आदमी बताने लगा, नहीं पुराने लोग थे, बड़े पुख्ते लोग थे, नेक लोग थे, बड़े सालिह लोग थे, उनके जो ख्वाब ख्वाब होता है, हमारा ख्वाब में कोई कुछ भी नहीं होता। मतलब पुराने लोग बड़े पुख्ते लोग होते थे, बड़े नेक अमल सालिह होते थे, अभी कोई भी नहीं है। हर जमाने में कोई ना कोई होते हैं, एकदम इनकार कर देना, तर्क कर देना, उनका ख्वाब हमारा ख्वाब बराबर नहीं होता। तो क्यों हम अल्लाह अल्लाह नहीं करते? हमारा कोई यानी कि मकामात सुलूक पहुंच अल्लाह के यहां पहुंच नहीं है। यानी सरे से तर्क करने का कोई ना कोई बहाना है। जैसे अब्दुल बासित अगान ने कहा, पता नहीं उनको क्या गलती लेके मेरे बारे में, ये भी तो आलिम है, इनके साथ आप उठने बैठने से भी आपको इसलाह हो सकता। एक आलिम को बर्दाश्त नहीं हुआ बेचारा, वो चीखने लग गया, इसको तो सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आता, यह कैसा आलिम हो सकता? सूरह फातिहा हमारे हम बच्चे बच्चे पढ़ते हैं। आप कितने आप यूपी में देखेंगे, अपने बच्चों को शुरू शुरू में जो सिखाते हैं नमाज के आदाएं हैं, नमाज के जो वजू, नमाज के जो अरकान हैं, सारे बताते हैं, उसके साथ साथ सूरह फातिहा, उसके बाद जितनी आखिर अशरा सूरत हो रहा याद करा देते हैं। हत्ता के बच्चे मदरसे में जो पढ़ते हैं उनको तीसवां जो पारा सब सिखाया जाता है,
हालांकि बच्चे हैं, उन्होंने फतवा लगा दिया इसके तो सौर तक फातिहा भी पढ़ना नहीं आता, ये कैसा आलिम हो सकता है। खुश हो गए, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, अल्लाह ने हमें इस तरह का घमंडी आलिम हमें नहीं बनाया। ये जो मैंने शुरू में कहा, रब्बुकुम आलिमु बिमा बिगाफी नुफूसिकुम, ये जो मुनाफिकत जो होता है, ये कहां कहीं बाहर से है या ओढ़ने लिबास से होता है या अल्फाजों में होता है, ये दिल के गहराई में छुपा हुआ रहता है। अगले दिन मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरे साथ कुछ साथी बड़े मुफलिस बनकर रहे, अभी दूरी इख्तियार किए, मेरे साथ तो कहीं सख्त किस्म का वार करते हैं, मुझे इतनी गिरा के जो बात करते हैं जैसे वो बड़े पारसा हैं। वो साथी बताने लगा, मतलब ये लोग छुपा हुआ रुस्तम थे, इतने साल आपके साथ जो रहते थे मुनाफिकत इख्तियार करके अपने दिलों में इन बातों को छुपा के रखते थे, अभी वक्त आया मौका मिला तो इन्होंने पूरा उगलना शुरू कर दिया है, और इसी को मुनाफिकत कहा जाता है। दुनिया में कोई भी समझदार नहीं है, दुनिया में कोई अकलमंद नहीं है, दुनिया में कोई पारसा नहीं है, दुनिया में कोई मुखलिस नहीं है। जो चीज हमारे पास है, फिर बड़े बड़े नसीहतें करने लग जाते हैं, आप ये नहीं जानते, आप वो नहीं जानते, आप ऐसा करो वैसा करो कराने करो, ये इतना नहीं समझते, हमें भी चलाने वाला कोई है। कल तक शागिर्द थे, आज उस्ताद बन गए। एक वाकये में पढ़ रहा था, एक बादशाह अपने बेटा शहजादे, कहीं अरसे से औलाद नहीं था, उसको जो बच्चा पैदा हुआ बहुत प्यार था उसके साथ, हालांकि किसी के हवाले नहीं करता था, अपने हाथ से उसको नहलाता था, अपने हाथ से उसको लिबास पहनाता था, कहीं कोई तरबियत करना फन सिखाना तो उसके जो निगरानी में सारा काम होता था। बाप बेटे दोनों खेलते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, बाप बेटे जैसे नहीं थे, एक दूसरे का जो दोस्त जैसे वो लोग रहे, इतनी दोनों में फुर्बत था। जवानी आ गई, बेटे ने जो अगले शहर घूमने फिरने के लिए गया, वहां देखा अगले जो बस्ती के जो बादशाह महल में एक शहजादी खड़ी थी, उसको जो देखा बयक निगाह, वो भी देखी ये भी देखा, दोनों में प्यार हो गया। तो होता है ना, मैंने ये सारी जिंदगी किसी के साथ हम रहे, प्यार दिल में जागता नहीं है, लेकिन किसी के देख तो एक ही लम्हे में प्यार शुरू हो जाता है। उसका खूबसूरती, उसके जो चेहरे के जो अलामत हैं, ये बेचारा फिजा हो गया। घूम फिर के बस्ती आया, रात भर उसको नींद नहीं आता था, कहीं भी करवटें बदलता, इधर करता उधर करता, उस नींद में ख्वाब में हर जगह पे वही जो लड़की नजर आती थी, वो तो शहजादी थी, और किसी तरह उसके साथ ब्याह करने के लिए सोचा। कुदरती तौर पर दोनों पड़ोसी मुल्क में जंग हो गया, जंग का ऐलान दोनों कर दिए,
तो शहजादा था बहुत परेशान हो गया। जिस लड़की से मैं इश्क जताया उसको साथ में शादी करना चाहता था, तो उस बस्ती बादशाह के साथ उन फौजियों के साथ मैं कैसा लड़ सकता हूं। एक दिन पहले निकल गया, पड़ोसी बादशाह का जाकर मुलाकात किया। बादशाह, मेरे बात सुनो, ये बात से शायद आप जंग भी रुक सकता है, आपके बेटी के साथ मेरा ब्याह भी हो सकता है। बादशाह इतने जो गुस्से में था इसके बाप के साथ, ये आखिरी जंग है मेरे जिंदगी में, सारी जिंदगी में सरहद में छेड़छाड़ हमारा फौजें मारता रहे, मरते रहे, और हम ये सब कब तक देखते रहेंगे, इस जंग में फैसला कर देंगे। इसलिए ये जंग रुकना नहीं है। शहजादा लाख समझाया, बादशाह समझने का नहीं। बादशाह मशवरा दिया, देखो तुम तो मेरे फौज में शामिल हो जाओ, तुम्हारे बाप से जंग लड़ना है। अगर ऐसी बात हो तो मेरे बेटी को मैं तुम्हारे साथ ब्याह कराने के लिए, मेरे लिए कोई एतराज नहीं है। जवानी में हम आप दुनिया भर के देखें, जवान लड़के और जो लड़कियां जितनी जो घर से भागते हैं, इश्क जब आग जलता है, सारी जिंदगी जो प्यार से पालन किया, पढ़ाया, सब कुछ किया और साथ में बिठा के खिलाना पिलाना। अगले दिन एक साथी हमारे साथ बात कर रहे थे, वो काफी अरसे ताल्लुक रखने वाले थे, एक बार उसके घर जाने का मौका भी मिला। अचानक एक दिन आए, वो कहने लगे, मेरे बेटी किसी के साथ भाग गई है, आप पता कर सकते हैं? मैंने कहा, मैं तो ना नजूमी हूं ना तो मैं हामिल हूं, ये मेरा बस की बात नहीं है। हम तो सिर्फ यहां अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक रखते हैं, इबादत करते हैं, बाकी हमें कोई चीज, अगर अल्लाह ने कोई चीज बता दे तो बता दे, वरना हमारे इस्तेदाद नहीं है किसी चीज को हम देखकर, हम बात देखकर बता सकते। लोग यही समझते हैं, हमारे भी काफी पहले लोग, कुछ बटुआ गुम हो गया, कुछ ऐसे ऐसे माल साल गुम हो गया था हमारे पास आकर पूछते थे, वो यही समझते थे ये इनके पास सारा अल्लाह अल्लाह करने के साथ जादू टोना भी हो सकता है। सूफी बिल्कुल सीधा साधा होते हैं, उनके पास ऐसे कोई फन नहीं होता था। तसव्वुफ एक फन है, अल्लाह को कैसे जान सकते हैं, मुजाहदा कैसे कर सकते हैं। अब सारी जिंदगी में अब तहज्जुद में उठे, वो एक फन है। सुलूक में आप अल्लाह करीम कहीं भी आप चला दे, रब्बुल आलमीन का एहसान हो जाता। इसके अलावा ये जो आंखें बंद करे तो दुनिया के अगले कोने के बारे में बताते हैं, इस कोने के बारे में बताते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो यही कहने लगा, छोटा सा कमरा था, एक एक कोने में पकवान होता था, वहीं खाना वाना सब
तकसीम होता था। मेरे बेटी मेरे पास बैठती थी, बेटा इस तरफ बैठता था। कभी प्यार से मैं भी एक लुकमा उसको खिलाता था। मैं कितने प्यार किया उस बेटी के साथ, आज मुझे भूल गई, मेरे बीवी को भूल गई, घर घर में जितनी थे सारे सबको भूल गई। कल किसी लड़के को देखा उसके साथ भाग गई। आज तक वो बाप परेशान नहीं मिली। एक दूसरा वाक्य था हमारे साथ ही, यहाँ अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसका जो पोती घर में जितनी जो जेवरात वो लेकर जो उसके साथ पढ़ने वाला, हालांकि 10वीं क्लास में पढ़ते थे दोनों, तो भाग गई। इनके ताल्लुकात वाले ये असिस्टेंट कमिश्नर था, उसके उसके यहाँ रिपोर्ट किए, वो अगले दिन पकड़ के लिया के सामने कर दिया। रो रही थी, नहीं हम दोनों थे, कहीं जाके लॉज में ठहरे, हम कुछ नहीं किए। आखिर अरसा गुजरा, कॉलेज भी खत्म किए, उसी के साथ शादी करा दी। दुनिया में कितने आप जगह पे देखेंगे, ये घर के छत में खड़े होना, अगले घर के जो छत में देख लेना, प्यार हो जाना, ये कॉलेज में जब पढ़ना प्यार हो जाना, इस तरह आज दुनिया में हर जगह पे है। प्यार हो गया, इश्क हो गया, माँ बाप कुछ भी नहीं है, भाइयों के साथ ताल्लुक कुछ भी नहीं है, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, सिर्फ इश्क का एक आग जलता है। बादशाह ने कहा तो हमारे साथ मिलकर तो जंग लड़ो, तेरे बाप के साथ दुश्मनी करना है, अगर हम जीत जाएंगे मेरे बेटी के जब यार तुम्हारे साथ हो जाएगा। जब फौज आमने सामने हुआ, बाप अगले दिन से तलाश करता था बेटा कहां गया, अब देख रहा था सामने उसके दुश्मन का जो फौज के साथ खड़ा है। मालूमात किया तो उसको पता चला इसके बेटी के साथ इश्क हो गया, उसने शर्त लगाया इसके बेटी देने के लिए। बेटा बाप भूल गया, सब कुछ भूल गया, अगला जो शहजादा है, अगला बादशाह बनने का है, उसको भूल गया। सिर्फ ये कि लड़की सामने नजर आ गई, बाप बंदूक निकाला, वहीं बेटे को यानी कि गोली मार दिया। अभी बाप ने भी तो इश्क किया है, एक जमाने का इश्क किया है, फिर सारे इश्क यानी फिर झूठ हो गया। उसने फिर दुश्मन के जो बादशाह के बेटे के साथ तो इश्क किया, वो फिर सच निकल गया। अच्छा जितने भी ये जो लोग ये जवान लड़की लड़के जो भागते हैं, ये कितने दिन इनका इश्क रहता है। एक राजस्थान के साथी मुझे कहने लगा, जवान लड़के और लड़की दोनों भागकर कहीं किसी दूसरे स्टेट से राजस्थान आए, एक मकान में जो किराए का मकान लिए और वहां बसने लगे, और कुदरती उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया बेचारा, अकेले घर में खड़ी है, उसके साथ अभी कोई भी नहीं। हम लोगों ने मिलकर लाख समझाया, तुम जाओ, तुम्हारा अपने जो माँ बाप हैं सब कुछ है। वो कहने लगी, रोने लगी, मैं अभी वापस जाने का लायक नहीं हूं, अभी मुझे इश्क का जो एक जुनून मैं अंधी हो चुकी हूं, मैं यही समझ कर आई हूं ये सारी जिंदगी मेरे साथ है, अभी किसी का जरूरत नहीं है, यही यानी कि नौकरी चौकरी कर कर मैं अपने जिंदगी संभाल लूंगी, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगी। कितने ऐसे घर हैं जो अधूरा टूट चुका होता, आज भी कितने यानी कि जो मियां बीवी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं,
घर वाले भी कह देते हैं जब हमें हम उसके सामने कुछ भी नहीं है अभी उसको वो आएगा तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। कितने वाकया में हम देखते हैं एक मटका पानी उठाता है बाप अपने सर पर डाल देता है, एक मटका पानी उठाता है अपने बीवी के सर पर डाल देता है, समझ लो आज से उस बेटी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये इश्क जो जुनून है और यही अंधापन है। अगर मां बाप ने कहीं रिश्ता करा दिया कल कुछ बात भी हो जाएगी, मां बाप की शक्ल सूरत दे सकते हैं, वो मदद कर सकते हैं, हर एक मदद कर सकते हैं, अगला शादी भी हो सकता है। और वही हकीकत जो रिश्ता होता है, इस्लाम शादी के बाद जो प्यार जो करने का जो शर्त लगाया वही जो प्यार है। तो शादी से पहले प्यार वार कुछ भी नहीं है, ये बचपन का जो खिलौने का जो खेल होता है। और आजकल माहौल भी ऐसा है, ये टीवी जो सिनेमा जितनी भी जो लोगों को पागल कर देते हैं उसमें सब कुछ जो इन्होंने गुमराह कर दिया है। हालांकि दुनिया में आज ये बहुत बड़ा फन भी है, कमाने का जरिया भी है, उनका एक सेलिब्रिटी भी कहते हैं, बड़ा नाम भी मशहूर हो जाता है, और सरे से लेकर इस सरहद से उस सरहद तक पूरे कंजर खाना है। तो कोई भी मुल्क हो तो मुनाफिकत जो होता है और जसरा का जो लड़के और लड़कियां दिल में छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है, किसी एक वक्त भाग जाते हैं, दिल में छुपा के रखते हैं, साथ साथ कहीं साल रहते हैं, दिल में छुपा के रखते हैं, मुनाफिकत है। सारा दुश्मनी के मुतल्लिक सोचते हैं और दिल में ही गाली गलौज भी देते हैं, लेकिन बाहर मुस्कुराएंगे। जब वक्त आ गया भाग भी जाएंगे, गाली गलौज भी दे देंगे। क्या अल्लाह ये पसंद करता है? क्या अल्लाह करीम तुम्हारे दिलों को गहरा में क्या है देखता नहीं है? इसलिए फरमाया रब्बुकुम अलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह करीम जानता है तुम्हारे जो दिल के गहराई में क्या छुपा होता है। और इनको चलाने वाले अभी इनको भी कहीं आसरा हो तो तभी तो ये काम होता है। लड़की के आसरा होता है लड़के का और लेकर भागने का, जब हिम्मत हो जाता है भागते हैं, आसरा हो गया। अब लड़के को भागने की क्या जरूरत है? उसको भी यानी लड़की के साथ आसरा हो गया, भागता भागता है वो। इसी तरह सिलसिले के साथ भी जो बगावत करते हैं उनको भी कोई आसरा दिया तब जाकर भागे, मुनाफ़िकत किए। और वो कौन सा नेक और वो कौन सा पासा होगा जो आसरा देने वाला? इसलिए मैंने एक बार कहा ये सांपों को दूध पिलाने वाले हैं, कब तक पिलाते रहोगे? कभी ये सांप के जो सर मुड़ गया तुम्हें भी तो डसेंगे। मुझे एक आदमी कहने लगा किसी के साथ दुश्मनी हो गई, वो बताने लगा आज मेरे सामने तुम चुरा दिखाते हो, ये नहीं भूलना कल यही चुरा तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। क्यों? ये भरोसामंद लोग नहीं होते, ये मुखलिस लोग नहीं होते। अच्छे में, गरीबी में, अमीरी में, फाकाकशी में, सब हालत में जो साथ रहते हैं वही आपका जो मुखलिस साथी होते हैं।
موقع دے کر جو بغاوت کرتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے ہیں، فریب ہوتے ہیں. انسان کے ہر ایک دل کو دوسرا جو پہچانتا نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جو پہچانتے تھے، وہ بھی اللہ نے جب بتاتا تب جا کے پہچانتے تھے. مکہ مشرکوں نے کہ جہاں تھا اور مدینہ منورہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، آپ کا کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن ہمارا آپ کے ساتھ کوئی بھی آگے ہے آپ کو واپس بھیجنا ہوگا. مدینے سے آئے کوئی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مشرکین کے بیچ میں پھنس گئے، ان کو باندھ کے رکھا ساری رات. اور صبح پوچھنے لگے تم بتاؤ تم کس طرح کا موت مرنا چاہتے ہو، اور پوچھنے لگے اور تمہارے جگہ پہ محبت کو وہاں باندھ کے رکھا تو کیسا رہے گا، تمہارے جگہ پہ محمد کو باندھ کے رکھے تو کیسے لگے گا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا جتنی بھی جو صحابیوں کا خون نچاور ہے اس کے لیے تو تم سب کے لیے ہلاک ہونے کا بات تم کرتے ہو. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا، انہوں نے کہا سلام بھیجا، یا اللہ یہ سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. نبی علیہ السلام تو السلام وضو کرتے تھے تو پانی ایک صحابی جو ڈالتے ہوئے وعلیکم السلام خبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے. وہ ساتھی پوچھنے لگا صحابی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس سلام کا جواب دے رہے ہیں، ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خبیب کا سلام پہنچانے لگے، میں اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچاتے ہیں تب جا کے وہ جواب دیتے ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں جانتے خبیب رضی اللہ عنہ، وہ پکڑ کے رکھے. انہوں نے اپنے تلوار کا نہر جو سارے مقام مشرکین نے چلایا، اور جب وہ پتہ چل گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابیوں سے پوچھنے لگے. خبیب کے جسم کو کون یہاں لا سکتا ہے، سارے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، ان میں چند صحابیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چنے، جائیں آپ خبیب کا جسم یہاں لے کر آئیں. دو دن ہوا تین دن ہوا ایک مکی تک ان کے جو جسم میں نہیں بیٹھا، کیا صحابیوں کا جو دلیری کا بات تو کہنا ادھر، جیسے گئے ہیں اسی طرح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو وہاں سے اور لے کر آئے. آج تک واقعہ میں
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو دلیری